गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन के मतदान में कुल 43.19% मतदान हुआ। आपको बता दें कि यह मतदान सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो गया था, जो कि 17 जिलों में चल रहा था, जो शाम 4 बजे तक चला है, जिसमें 17 जिलों के स्नातक मतदाताओं ने मतदान किया है। मतदान समाप्त होने के बाद कड़ी सुरक्षा के साथ मतपेचियों को गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य कर भवन के बनाए गए स्ट्रांग रूम में पीठासीन अधिकारियों द्वारा लाकर जमा किया गया है। स्ट्रांग रूम के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का पूरा इंतजाम किया गया है। 2 फरवरी को सुबह 8 बजे मतपेचियों को प्रत्याशियों के सामने खोलकर गिनती की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के AR अजय कांत सैनी ने कहा, रामपुर नंबर 1 है, 60% 40 यार ऐसा है, सिंपल सा नियम है, पढ़े लिखे लोग नहीं हुई आपके पास। अच्छा, एक ही लेके गए थे, एक लेके गए थे, दो नहीं लेके गए थे। सबको हमने दो दो नहीं दिया था, ये आप शायद नहीं ले गए क्योंकि बहुत इधर 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 ले गए। कोई बात नहीं, जो अरे सर का 22 आप इधर आ जाइए। अरे ठीक है, धीरे धीरे ठीक है। अब सर हमारी फोटो खींच रहे तो मतलब मतदान अभी हो चुका है और अलग अलग जनपदों से सारी सूचना एकत्र हो रही है। अभी तक मेरे पास 7-8 जिलों की आई हुई है। इसमें बलरामपुर में 60%, बहराइच में 49%, जो है गोंडा में 48% और हमारे बस्ती में भी 48% और जो है मऊ में 37%
अमेठी में 38%। तो अभी धीरे धीरे सूचना एकत्र हो जाएगी, उसके बाद आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। सर अभी तक का मतदान प्रतिशत कितना लग रहा है? हाँ, लगभग अभी तक जो है लगभग हम लोग 42% के आसपास संभावित कर रहे हैं। सर मतपेटिका भी जमा हो रही है? अभी दो मतपेटिका जमा हो गई हैं और बाकी और मतपेटिका धीरे धीरे आना शुरू हो गई हैं। विशेष जो है गोरखपुर से जनपद से सबसे पहले जो है पीठासीन अधिकारियों की टीमें आना शुरू हो जाएंगी। सर आगे क्या प्रक्रिया, कब तक इसमें मतगणना होगी? मतगणना तो 2 जनवरी को है और 2 फरवरी को है। अभी तो केवल स्ट्रांग रूम में ये सारी मतपेटिका पहुंच जाएं, जमा हो जाएं, उसके बाद जो है मतगणना की का जिम्मेदारी जो है 2 फरवरी की है।